आप काइन मास्टर को ओपन कीजिए, काइन मास्टर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे, मीडिया पे करने के बाद आपको यहाँ से बैकग्राउंड को चूज़ कर लेना है। बैकग्राउंड को चूज़ करने के बाद इसको थोड़ा सा लंबा करके बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपको यहाँ कलर पर क्लिक करना है, उसके बाद इस तरह का कलर आपको ले लेना है। कलर को लेने के बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे, मीडिया पे आने के बाद आपको फोटो ले लेना है जिस फोटो को आप शेयर करना चाहते हैं जिस तरह का। तो यहाँ से हम फोटो को चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद आप इसका साइज़ को बढ़ाने के बाद आपको क्लिक करना है नीचे पे क्रॉपिंग पे, क्रॉपिंग में क्लिक करने के बाद आपको इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद सेप पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ से दिल पे क्लिक कर देना है। दिल पे क्लिक करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा सेट कर देना है, बढ़िया से आपको बैठा देना है। ठीक है, इसको हम सही से बैठा देते हैं। इसको बैठाने के बाद इसका साइज़ को छोटा करके हम यहाँ से नीचे पे यहाँ पे बैठा देते हैं, नीचे पे आप इस तरह से इसको बैठा दीजिएगा। तो उसके बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे करना है, मीडिया पे करने के बाद फिर यहाँ से फोटो आप चूज़ करके फिर दोबारा दूसरा फोटो ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फोटो लेने के बाद आपको क्लिक करना है फिर क्रॉपिंग पे, फिर इसको एनेबल करने के बाद सेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिल पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा लंबा करके हमको बैठाना है, एडजस्ट करके बैठाने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा ही रखना है इसको। उसके बाद ऊपर में इसका बैठा देते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको बैठाने के बाद आपको नीचे पे क्लिक करना है। ठीक है, नीचे वाला फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे पे यहाँ पे ओवरऑल एनिमेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे पे ला करके ग्रेडिंग पे क्लिक कर देना है। तो ये हो गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से वीडियो पे क्लिक करना है, तो शेयर पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ से वीडियो को सेट कर लेना है। उसको शेयर करने के बाद फिर से आप काइन मास्टर को ओपन कीजिए, उसके बाद आपको मीडिया पे क्लिक कीजिए, उसके बाद बैकग्राउंड यहाँ से फिर दोबारा ले लीजिए। ठीक है, इसको बैकग्राउंड को लेने के बाद ये बैकग्राउंड ले लिया, उसके बाद आपको फिर लेयर पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे आना है, यहाँ से आपको वॉलपेपर ले लेना है। चलिए हम यहाँ से वॉलपेपर ले लेते हैं, वॉलपेपर को भी हम बड़ा कर देते हैं। इसको बड़ा करने के बाद आप इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए, तो ये जूम हो गया। तो उसके बाद आपको ये फिर से चाबी पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा आगे करना है। थोड़ा सा आगे करने के बाद आपको यहाँ पे इसको फिर एडजस्ट करके सही से जिस तरह से था उसी तरह से इसको बैठा देना है। ये फुल स्क्रीन हो गया, इसको बैठा दिए। इसको बैठाने के बाद ये देखिए ये यहाँ पे आ गया इस तरह से। और उसके बाद आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, जिस वीडियो पे आप काइन मास्टर से सेट किए थे उस वीडियो को आपको ले लेना है यहाँ से। तो चलिए हम यहाँ से वो लाइव वीडियो ले लेते हैं। उसके बाद आपको क्रोमा के पे क्लिक करना है, उसके बाद इसको एनेबल करके इसको 50-50 कर देना है। उसके बाद आपको फिर वीडियो पे क्लिक करना है, इस वीडियो को आप ऊपर लेके जाइए। ऊपर ले करके आने के बाद आपको क्लिक करना है चाबी पे, और उसके बाद आप थोड़ा सा आगे कीजिए, इसको थोड़ा सा आगे करके लाकर इसी तरह से बगल पे रख करके इसको यहाँ पे सेट कर देना है। इसी तरह से ये सेट हो गया। इसके बाद हम इसको चला करके देख लेते हैं। फिर से लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद आप मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ से फिर से वीडियो आपको ले लेना है। तो वीडियो लेने के बाद आपको यहाँ से फिर से आना है क्रोमा के पे, इसको इनेबल करने के बाद इसको 50-50 कर देने के बाद आपको यहाँ से इसका साइज़ को बराबर करके मिला देना है। इसको यहाँ पे बराबर कर देना, बराबर हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से चाबी पे क्लिक करना है और थोड़ा सा आगे करना है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा आगे करने के बाद आपको यहाँ से वीडियो को ला करके यहाँ पे रख देना है। उसके बाद वीडियो को छोटा करके आपको थोड़ा सा यहाँ पे बैठा देना है, इस जगह पे बैठा देना है। ठीक है, ये यहाँ पे बैठ गया। तो फिर से आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। चलिए तो हम यहाँ से एक फूल ले लेते हैं। तो ये फूल लेने के बाद इसको हम बड़ा कर दिए। इसको बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस फूल पे और इसको छोटा करके आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, बीच पे या यहाँ से लग गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लाना है, बता देते हैं स्पिन का ऑफ लेके आग करके इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ से फिर से क्लिक करना है लेयर पे, मीडिया पे आपको फिर से फुल एक ले लेना है। चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं और इसको छोटा करके इसी पे रख देना है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दिए। इस पर रखने के बाद इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर फिर से आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ से
स्पेस सेट करके इसको ओके मार देना है। तो चलिए, और इसके बाद आपको यहाँ से एक गाना ले लेना है। तो हम यहाँ पे ऑडियो पे आते हैं, आपको यहाँ से हम एक तो हम सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद बजा करके दिखा देते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।